बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज है 5 अगस्त 2019। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रोहित शर्मा ने तोड़ा क्रिस गेल का T20 इतिहास में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच के दौरान 106वां छक्का लगाने के साथ ही भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोहित ने वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल को पछाड़कर जिनके नाम 105 छक्के, मतलब है कि रोहित के नाम अंतर्राष्ट्रीय T20 में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड भी है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज को हराया। 3 श्रृंखलाओं के बाद जीती T20 सीरीज। रविवार को T20 में वेस्ट इंडीज को 22 रनों से डकवर्थ रूइस नियम के अनुसार हरा कर भारत ने 3 मैचों में सीरीज को 2-0 से अजेय प्राप्त बढ़त बना ली है। इसके साथ ही भारत ने नवंबर 2018 से लेकर अब तक खेली 3 श्रृंखलाओं के बाद पहली T20 सीरीज जीती है। मैच में रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय T20 सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड भी बनाया है। आगे खबर तौर पर श्रीनगर में लगाई गई धारा 144, सभी स्कूल व कॉलेज रहेंगे बंद। श्रीनगर में आधी रात से धारा 144 लगाकर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो अगले आदेश तक के लिए जारी रहेगा। इसके तहत जनता का कोई मूवमेंट नहीं होगा और सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, कैसी विडंबना है कि हमारे जैसे चुने हुए प्रतिनिधि भी शांति के लिए लड़ें, वे नज़रबंद हैं। आई खबरें दौड़ते हैं। कश्मीर मोबाइल इंटरनेट बंद, उमर का दावा, मुझे आधी रात से नज़रबंद कर दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि लगता है मुझे आज आधी रात से नज़रबंद कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया अन्य मुख्यधारा के नेताओं के लिए शुरू हो चुकी है। उन्होंने लिखा, यह जानने का कोई तरीका नहीं है इसमें कितनी सच्चाई है, अल्लाह हमें बचाए। कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा आंशिक रूप से बंद की गई है। आगे खबर की दौड़ते हैं। श्रीनगर के बाद जम्मू में भी धारा 144 लगाने की घोषणा सोमवार को सुबह 6 बजे से लागू हो गई। जम्मू कश्मीर के जिलाधिकारी सुषमा चौहान ने बताया कि जिले में सोमवार सुबह 6 बजे से धारा 144 लगाई जाएगी। वहीं जम्मू यूनिवर्सिटी ने 5 अगस्त 2019 को आयोजित होने वाली सभी अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। नई तारीखों की घोषणा बाद में होगी। इससे पहले श्रीनगर में धारा 144 लगी थी। आगे खबर की दौड़ते हैं। संसद में 1,000 का नोट जारी करने की अनुमति देने वाला कानून निरस्त किया गया है। संसद ने RBI को 1,000 रुपये का नोट जारी करने की अनुमति देने वाला 1999 कानून निरस्त कर दिया है। दरअसल तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने दिसंबर 1998 में इस संबंध में संशोधन विधेयक पेश किया था और 1999 में यह कानून लागू हुआ था। गौरतलब है कि सरकार पहले ही 1,000 के नोटों का चलन हटा चुकी है। आगे खबर दौड़ते हैं। भारी बारिश के चलते मुंबई और ठाणे के सभी स्कूल कॉलेज सोमवार को बंद रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि भारी बारिश के चलते ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, पालघर और रायगढ़ के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को कहा है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। इससे पहले महाराष्ट्र के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ था। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। मौत स्वाभाविक चीज है। बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मौत पर आपदा प्रबंधन मंत्री ने बात कही है। बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा कि मौत तो मौत है, यह आप अपने आप नहीं होती, लेकिन मौत यह स्वाभाविक चीज़ है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बाढ़ से मरने वालों के परिजनों को सरकार 4 लाख देती है। गौरतलब है कि बिहार में बाढ़ से के कारण 134 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। देश भर की अदालतों में 1,000 मामले ऐसे जो 50 साल से चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कार्यक्रम में कहा कि देश की अदालतों में 1,000 से अधिक ऐसे मामले जो 50 साल से चल रहे हैं। 2 लाख से अधिक केस 25 साल से लंबित हैं। गोगोई ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस से इन मामलों को देखने का अनुरोध किया है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में ठप रहा फेसबुक और इंस्टाग्राम, भारतीय यूजर भी हुए प्रभावित। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम के सर्विस रविवार को दुनिया भर में कुछ समय के लिए ठप हो गए। इस दौरान हजारों यूजर्स ने पोस्ट, कंटेंट शेयर करने और लॉगिन करने में परेशानी की बात कही। बतौर रिपोर्ट भारतीय यूजर भी इससे आंशिक रूप से प्रभावित हुए। वहीं इसे लेकर अभी फेसबुक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। वोट न देने वालों का दिल जीतने का काम करे बीजेपी,
सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है। बीजेपी के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के सांसदों से कहा कि वे नकारात्मकता छोड़ें और जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया उनका दिल जीतने के लिए सकारात्मक सोच के साथ काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आपका काम और आचरण देख वे आपके करीब आएंगे। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। इसरो ने शेयर की चंद्रयान 2 द्वारा ली गई पृथ्वी की पहली तस्वीर। इसरो ने चंद्रयान 2 द्वारा ली गई पृथ्वी की पहली तस्वीर शेयर की है। शुक्रवार को इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 ने पृथ्वी की चौथी कक्षा में प्रवेश कर लिया और अब बस एक बाकी है। 22 जुलाई को लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 दक्षिण ध्रुव पर उतारने के मकसद से भेजा गया दुनिया का पहला मिशन है। आगे खबर की तबरते सोनभद्र हिंसा को लेकर DMSP हटाए गए, मामले की जांच के लिए बनेगी SIT। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सोनभद्र हिंसा के मामले में कार्रवाई करते हुए जिले के DM अंकित अग्रवाल और SP सलमान ताज को पाटिल को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। आदित्यनाथ ने कहा कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस हिंसा की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT ही बनाया जाएगा। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। IIT ग्रेजुएट को डिटर्जेंट नहीं बेचना चाहिए, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बात कही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि IIT जैसे देश के बेहतरीन संस्थानों से निकले ग्रेजुएट को मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए डिटर्जेंट बेचने की बजाय वो बड़े उद्देश्यों पर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह काम कोई भी कर सकता है लेकिन निश्चित तौर पर इसके लिए IIT ग्रेजुएट की प्रतिभा ज्ञान और योग्यता की जरूरत नहीं है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। बेटी के पसंद की शादी करने से नाराज पिता ने छपवाए मृत्यु भोज के कार्ड। मंदसौर मध्य प्रदेश का यह मामला है जहां बेटी के भागकर पसंद की शादी करने से नाराज पिता द्वारा मृत मानकर मृत्यु भोज के कार्ड छपवाने का मामला सामने आया है। हालांकि रिश्तेदार द्वारा पिता को समझाने के बाद मृत्यु भोज को रद्द कर दिया गया। बतौर खबर थाने में बेटी ने पिता को पहचाने से इनकार कर दिया था। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी खतरे के बीच अमित शाह ने की अजीत डोवाल से मुलाकात। जम्मू कश्मीर में आतंकी खतरे के बीच रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह सचिव राजीव गोबा से मुलाकात की। बतौर रिपोर्ट मीटिंग में IV चीफ अरविंद कुमार और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सामंत गोयल भी थे। गौरतलब है कि सरकार ने अमरनाथ यात्रियों और सैलानियों को कश्मीर से निकलने को कहा है। आएंगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। विदेश में पढ़ने के लिए दलित छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना लाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में SC ST मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि आम आदमी पार्टी सरकार की योजना गरीब करीब 100 दलित छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति देने की है। बकौल गौतम 2 साल के पाठ्यक्रम में 10 लाख और 4 साल के पाठ्यक्रम में 20 लाख की मदद दी जाएगी। जल्द ही इसे कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। आगे खबर की दावते हैं। चोर का पीछा करते हुए ट्रेन की चपेट में आने से मां बेटी की मौत। त्रिवेंद्र एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला 45 वर्षीय और बेटी 21 वर्षीय का बैग लेकर भाग रहे चोर का पीछा करते हुए ट्रेन की चपेट में आ गई जिससे दोनों की मौत हो गई। ट्रेन चोर द्वारा चेन खींचने पर माँ बेटी को चोरी का पता चला और एक चश्मदीद के मुताबिक दोनों चोर का पीछा करते हुए ट्रेन से गिर गई थी। आगे खबर दौड़ते हैं। व्हाट्सएप द्वारा नियम अनुपालन को लेकर 6 हफ्ते में दे जवाब। RBI से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप द्वारा डेटा लोकलाइजेशन नियमों का अनुपालन की पुष्टि को और रिपोर्ट पेश करने के लिए RBI को 6 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि क्या व्हाट्सएप को भारत में शिकायत अधिकारी की आवश्यकता है। दरअसल नियामकीय चुनौतियों के कारण व्हाट्सएप पे बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं हो सका है। आगे खबर की दबरते हैं। पहली बार भरी गई 23 IIT की सभी सीटें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बात कही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव आर सुब्रमण्यम ने यह जानकारी दी है कि पहली बार IIT की 23 कॉलेजों की सभी 13,604 सीटें भर गई हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में हमारे लिए एक शानदार पहल है। यह IIT के सक्रिय योगदान और IIT रुड़की के तालमेल से हासिल हुआ है। पिछले साल 118 सीटें खाली रह गई थी। फिलहाल आपका वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें।